यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने गांधी परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राणा ने दावा किया है कि उसे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया। ईडी की तरफ से विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया है। ये वही ईडी की चार्जशीट की कॉपी है जिसमें राणा कपूर ने दावा किया है कि उन्हें प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया। साथ ही पेंटिंग से प्राप्त पैसों का इस्तेमाल गांधी परिवार ने सोनिया गांधी का न्यूयॉर्क में इलाज कराने के लिए किया। आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने ईडी को बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा था कि अगर उसने एमएफ हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो न सिर्फ इससे गांधी परिवार से संबंधों को बनाने में बाधा पैदा होगी बल्कि उसे पद्म सम्मान हासिल करने में भी मुश्किल आएगी। आरोप पत्र के मुताबिक कपूर ने दावा किया है कि उसने पेंटिंग के एवज में 2 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान चेक में किया। उसने दावा किया कि दिवंगत मुरली देवड़ा के बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने गोपनीय तरीके से उन्हें सूचना दी थी कि इस पेंटिंग की बिक्री से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल गांधी परिवार सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क में इलाज पर करेगा। कपूर ने ईडी को ये भी बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि गांधी परिवार के सही समय पर सोनिया गांधी के इलाज में सहयोग कर राणा कपूर ने अच्छा काम किया है और पद्म भूषण देने के लिए उनके नाम पर समुचित ढंग से विचार किया जाएगा। बता दें कि राणा कपूर को मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो न्यायिक हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन ने संदिग्ध लेन देन के जरिए से 5,050 करोड़ रुपए के फंड की हेरा फेरी की थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।